नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। मशहूर मिड 20th सेंचुरी की अमरीकी उपन्यासकार विलियम फॉकनर की प्रसिद्ध उपन्यास रिक्वेम फॉर अ नन का एक बहुत फेमस लाइन है, द पास्ट इज नेवर डेड, इट इज नॉट इवन पास्ट। अतीत कभी मरा नहीं है, बीता भी नहीं है, अतीत बीता नहीं है। दिस लाइन केम बैक टू मी व्हेन आई एसेस्ड दिस वीक्स बिगेस्ट न्यूज स्टोरी दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीटिंग विद द कश्मीरी लीडर्स। बैठक जब बुलाई गई थी तब इसको सेंटर के तरफ से एक कॉन्सिलिएटरी स्टेप माना जा रहा था बहुत लोगों द्वारा। सेंटर के ऊपर भयानक इंटरनेशनल दबाव या प्रेशर था, कश्मीर में पॉलिटिकल डायलॉग रीस्टार्ट होना चाहिए कहा जा रहा था, साथ ही पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होना चाहिए। बट इट वॉज क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट द आर्टिकल 370 वुड बी द एलिफेंट इन द रूम। साथ ही आर्टिकल 35A से जुड़े जम्मू कश्मीर के लोगों के जो लैंड राइट्स के मामले पर भी चर्चा होने की बात थी। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का एक और मुद्दा था, दोनों मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद थी। इनके अलावा कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई और मुद्दे उठाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई और कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन, ताकि उन पर ये आरोप ना लग सके कि उनको कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई चिंता ही नहीं। Sections of the Sangh Parivar were uneasy about the meeting. They feared Kashmiri parties would utilize this opportunity to call for Article 370's restoration. But these fears turned out to be unwarranted. Modi ji ne bahut hi smartly is matter ko sidetrack kar diya. Pehle kaha gaya, issue is sub judice. Supreme Court mein August 2019 के फैसले की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है, उसकी सुनवाई हो रही है। पेंडिंग तो इशू रहेगा ही, सिर्फ दो हियरिंग हुई है जब से ये केसेस फाइल हुए, करीब 25 के करीब केसेस फाइल हुए हैं। एक बार 5 जज के जो बेंच है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले और दूसरी बार उसके बाद। लेकिन फाइनली मोदी जी ने त्रुप का पत्ता खेला। उन्होंने कहा, मैं कोट करता हूं, मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ काम करना है, हमें आपस में सेतु बनाना है, अतीत बीत चुका है, आइए भविष्य के बारे में बात करते हैं। बहुत स्मार्ट टैक्टिक्स थी, दूसरे मुद्दों पर बात को शिफ्ट करके बातचीत आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि डीलिमिटेशन और चुनाव। 26 जून को इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के 46 एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन डार्क डेज को याद किया। ही सेड द पीरियड बिटवीन 1975 एंड 1977 कैन नेवर बी फॉरगॉटन। He said, India witnessed systematic destruction of institutions. उसी तरह मोदी जी और उनके राजनीतिक साथियों ने 1984 के एंटी सिख राइट्स की बात लगातार करते आए हैं, परंतु वे नहीं चाहते कोई 2002 गुजरात की बात करें। अगर आप करेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। सिलेक्टिव यूज ऑफ द पास्ट, सिलेक्टिव
इरेजिंग द पास्ट। ठीक उसी तरह ये सरकार कश्मीर के भविष्य के बारे में बात तो करना चाहती है, परंतु उसके अतीत, उसके पास्ट के बारे में नहीं करना चाहती। अभी जो स्टॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन है उसका या फिर चुनाव के बारे में तो बात होगी, परंतु आर्टिकल 370 और 35A से परहेज है। शायद कश्मीर बेस्ड पार्टीज इवेंचुअली पावर हासिल करने के लिए इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ऑफ फेथ को भूल सकते हैं, परंतु क्या जनता इन इश्यूज पर चर्चा नहीं करेगी? क्या कोई नहीं चाहेगा कि इस पर बहस हो? आर्टिकल 370 का रेस्टिट्यूशन की मांग पर बात हो। आर्टिकल 370 पर बात तभी हो पाएगी जब उन परिस्थितियों को दोहराएंगे जिनमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था वे बैक आजादी के ठीक बाद। इट हैज बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू रिकॉल द फ्रेमिंग ऑफ द आर्टिकल 370 एंड हाउ 35A केम इनटू बीइंग एंड ऑल्सो टू डिस्कस हाउ बिटवीन द 1950s एंटिल 2019 हाउ आर्टिकल 370 फेयर्ड। हम भूल जाते हैं अक्सर 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर सॉवरेन था, भारत का हिस्सा नहीं था। राजा हिंदू था, इस्लामिक पाकिस्तान में शरीक नहीं होना चाहता था, लेकिन साथ साथ वे भारत में भी एक्सीड नहीं करना चाहता था। नाराजगी नेहरू से थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आजाद हिंदुस्तान में रॉयल्स के लिए कुछ खास प्रिविलेजेस नहीं होंगे। ब्रिटिश और पाकिस्तान ने ट्राइबल हमलावरों को बैक किया, उन्हें उम्मीद थी जम्मू कश्मीर पाक में एक्सीड कर जाएगी, नहीं हुआ। अक्टूबर 26, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। आफ्टर एक्सेशन, लीगली स्पीकिंग, द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर किंगडम बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इंक्लूडेड द नॉर्दर्न एरिया दैट इनकॉर्पोरेटेड गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ड्यूरिंग द ट्राइबल इन्वेजन, जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर। लेकिन हरि सिंह एक्सेशन के टर्म्स को लिमिट करना चाहते थे। केंद्र की शक्तियों को वो मात्र एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस और डिफेंस तक ही सीमित रखना चाहते थे। बाकी मुद्दों पर कुछ भी कदम लेने के पहले सेंटर को जम्मू कश्मीर स्टेट से परमिशन लेनी होगी, हरि सिंह की यही मांग थी। आर्टिकल 370 का मसौदा भारतीय संविधान में पार्ट 21 में एक टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस शीर्षक से तैयार किया गया था। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एम्पावर किया गया था, वह तय कर सकता था कि भारतीय संविधान किस हद तक राज्य पर लागू होगा। राज्य विधानसभा भी धारा 370 को पूरी तरह से एब्रोगेट कर सकती थी। जुलाई 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ, इसमें जमीनी हक से जुड़े मुद्दे भी थे। इसके तहत आर्टिकल 35A भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया गया और उन्हें विशेष राइट्स और प्रिविलेजेस दिए गए। जमीन के मामले में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड इन 1951। द चेयरपर्सन डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप of Jammu and Kashmir as being an autonomous republic
विदिन द यूनियन ऑफ इंडिया। नेहरू अब्दुल्ला पैक्ट को मंजूरी ना केवल राज्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दी बल्कि भारतीय संसद ने भी दे दी। सब कुछ लेकिन आइडियल नहीं था। आर्टिकल 371 प्रोवाइडेड फॉर अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन टू द एंटायर स्टेट, और इसी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे जम्मू और कश्मीर की ऑटोनॉमी इरोड होने का सिलसिला शुरू हो गया। यह प्रक्रिया की शुरुआत 1950 से ही हो गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही प्रोसेस चल रहा था। कहा जा सकता है कि अगस्त 2019 से पहले आर्टिकल 370 को एक एम्प्टी शेल में रिड्यूस कर दिया गया था। आर्टिकल 370 नेवर एवर केम इन न्यू दिल्ली'स वे ऑफ डीलिंग विद द स्टेट इन एनी वे इट डीम्ड फिट। डिस्पाइट दिस आर्टिकल 370 वाज पोर्ट्रेट एज अ वेरी बिग इंपेडिमेंट टू द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड आल्सो इट्स डेवलपमेंट एज इफ Article 370 prevented the development of the Jammu and Kashmir state. कहा गया कि दो व्यक्तियों ने शेख अब्दुल्ला और नेहरू की ये चाल थी आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था उन्हीं की वजह से। दशकों से आर्टिकल 370 के माध्यम से गारंटीड ऑटोनॉमी को धीरे धीरे इरोड कर दिया गया। दिस इंक्लूडेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सीएजी। ये विभिन्न प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से किए गए थे। ओवर टाइम ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। एक जमाना था जब चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम कहा जाता था और गवर्नर को उनका जो टाइटल था वो सदर ए रियासत होता था। इन टर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस वीजावी जम्मू एंड कश्मीर, द अगस्त 2019 डिसीजन वाज द मोस्ट मेजर रीऑर्गेनाइजेशन सिंस 1954। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया और स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का हटाया गया, वो रिडंडेंट हो चुका था। उसका एग्जिस्टेंस हमारे विधान में मात्र सिंबॉलिक रह गया था। उसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था 1950s में। इवेंचुअली वो एक डॉग विसल बनके रह गया। संघ परिवार के लिए आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन एक पॉलिटिकल वेपन था। इसका इस्तेमाल वे कश्मीर के बाहर अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट करने के लिए किया करते थे। अगेंस्ट द आइडिया ऑफ आर्टिकल 370's रिमूवल एज अ फॉर्म ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर, द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड विच दे हैड वाज अ साइकोलॉजिकल सिंबल। इट वाज एम्ब्लेमेटिक ऑफ एन इमोशनल बुलवार्क that the people had against an idea that wanted to completely integrate them. Separateness hamesha separatism nahi hota hai. Us distinctiveness ka destruction Kashmiri janta ko hamesha mehsoos hoga. Modi ji jitna bhi kahein atit ko bhool kar bhavishya par focus nahi kiya ja sakta. विलियम फॉकनर सही थे, पास्ट इज नेवर डेड, इट इज नॉट इवन पास्ट। आर्टिकल 370 पर बहस होनी चाहिए, होगी या नहीं ये हमें नहीं पता। नमस्कार।